हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमी एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मिथ काफी लोगों के पास ही मिथ है गे काफी लोग समझते हैं परेशान है एक्चुअली कि कभी कभी उनके ट्रेनर्स बोलते हैं नो 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 इंग्लिश स्पीकिंग यू डोंट नीड ग्रामर एक्चुअली यू नो इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश ना कम टू मी एंड आई विल टीच यू विदाउट यूजिंग ग्रामर ऐसे आपने बहुत एड्स देखे होंगे पता है क्यों देखे हैं क्योंकि है ना लोग आपकी कमजोरी जानते हैं लोग ये जानते हैं कि ये बंदा ना ग्रामर सीख रहा है ग्रामर के थ्रू इंग्लिश बोलना चाहता है बट ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश दैट्स वाई ही विल लिसन टू मी एंड ही विल कम टू मी एंड ही विल लर्न फ्रॉम मी ऐसा लोग सोचते हैं और इसीलिए वो कैची थमनेल कैची यू नो बातें बना देते हैं जिससे आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो तो मैं आज है ना इस वीडियो में आप लोगों को डेफिनेटली सेटिस्फाई करूंगा इस बात से कि डू यू रियली नीड ग्रामर फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश और नॉट क्योंकि ये बात आपके दिमाग में है ना एड्स करते हुए right. नहीं जानते वो लोग फिर भी वो इंग्लिश बोल पाते हैं है ना ऐसे तो समझाते हैं वो लोग आपको अच्छा मैं आपको समझा दू देखो जब आप छोटे थे ना जब आपने अपनी मदर टंग सीखी बोलना तो आपको यह नहीं पता था सर्वनाम या मैं हिंदी के बारे में बात कर रहा हूं नाउन क्या है ये ये चीजें काल वाल टाइम्स कुछ नहीं पता था आपको बट यू वीक इन इंग्लिश राइट तब तो बोल रहे थे ना आप ऐसी मैं भी आपको फंसा सकता हूं लेकिन मैं आपको एक फैक्ट एक बता रहा हूं जो मैंने ऑब्जर्व किया देखो बेसिक ग्रामर बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए बहुत जरूरी है। बट वो उस वे में नहीं जरूरी जिस वे में हम लोग सीख रहे हैं राइट right? हम क्या सीखते हैं हम सीखते हैं ट्रांसलेशन की अबाउट राइट right? कि हम ट्रांसलेशन सीखते हैं कि भाई इस चीज को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे बट इन स्पोकन इंग्लिश हमें ग्रामर तो चाहिए हमें वो बेसिक ग्रामर चाहिए बट एक अलग ही तरीके में समझ रहे हैं एक उसका अलग ही तरीका होना चाहिए जैसे एक छोटा सा लेसन के बारे में मैं आपसे बात करता हूं बिल्कुल अभी देखो एक टॉपिक है मे मे इंग्लिश में क्या होता है पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर इसके दो सेंस हैं क्या सेंस है मैं शायद ऐसा करूंगा या मैं शायद ऐसा कर सकता हूं अगर हम इसे वर्ड टू वर्ड बनाए तो शायद को हटा दो मैं ऐसा करूंगा के फ्यूचर हो गया कर सकता हूं सकते को क्या बोलते हैं कैन तो आप विल और कैन के बीच में फंस जाओगे और ये ही दोनों रॉन्ग है सिंपली आपको एक ही चीज समझनी है कि अगर कोई चीज फ्यूचर में पॉसिबल है पॉसिबिलिटी है कि शायद ऐसा हो सकता है तो आप में यूज करो अब हो सकता है या होएगा या हो जाएगा कुछ भी हो आपको मे यूज करना है मतलब हमें कायदे में बेसिक ग्रामर चाहिए ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए बट उसका जो रूप है ना जो उसका वे ऑफ लर्निंग या टीचिंग है शुड बी डिफरेंट एकदम अलग होता है होना भी चाहिए या आप हमारे नए कोर्सेज में सीख सकते हैं फिलहाल हमारा नविया एजुकेटर यूट्यूब चैनल पिछले छह सालों से बच्चों को इंग्लिश सिखा रहा है और अभी भी हम लोग इस चैनल पर नया कोर्स शुरू कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है, लाइव होता है कोर्स फ्री होता है कोई पैसा नहीं देना बस अटेंड करना है और अंदर यू you नो know, एम लेकर चलना है कि आई विल स्पीक इंग्लिश आफ्टर डूइंग दिस कोर्स कोर्स कोई कोर्स नहीं होता एक जर्नी होती है जिसे आपको जीना होता है ऐसा नहीं है कि एक दिन में बीस वीडियो देख ली हाँ आई हैव डन एंड नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश ऐसा पी नहीं होता है ना एक दिन में वीडियो देखने से इंग्लिश नहीं आती है इंग्लिश आती है प्रैक्टिस करने से और शुरुआत करने से काफी लोग तो भूलना ही नहीं शुरू करते यार तो भैया बोलना शुरू करो आज से हमारी क्लासेस ज्वाइन करो ठीक है और पढ़ते रहो और याद रखो इंग्लिश का बेसिक नॉलेज ग्रामर तो बहुत जरूरी है बेसिक ग्रामर बहुत जरूरी बट तरीका अलग होता है ऐसे नहीं सीखते कि लास्ट में ता है ती है ते है आता है ये आज से बीस साल पुराना जमाना है आप आगे आ चुके हो तो आपको कुछ नया सीखना है नया सीखना है तो हमें फॉलो कीजिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना हर नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए थैंक यू सो मच